नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा बिहार भाइयों और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी तरह की और भी बड़ी खबर सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। आते हैं बिहार की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा एवं अन्य स्थानों से जो भी छात्र बिहार आ रहे हैं उन्हें रेल किराया नहीं देना होगा। इसके लिए बिहार सरकार रेलवे को पैसा दे रही है। साथ ही बाहर फंसे मजदूरों एवं अन्य लोगों के लिए भी निर्णय लिया है कि उन्हें यहां आने तक के खर्च सरकार उठाएगी और उन्हें अलग से 500 रुपए भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर फंसे मजदूर एवं अन्य लोग जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचने का किराया सरकार देगी। साथ ही 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को रेल किराया अंतरिम 500 रुपए दिया जाएगा या बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपया दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल, सरकार के साथ इन बिंदुओं पर बनी सहमति। दरअसल बिहार के माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दी है। हड़ताल खत्म करने की घोषणा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा की गई है। इसकी घोषणा करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने कहा है कि बिहार में माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। बिहार में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ये हड़ताल 25 फरवरी से चली आ रही थी। हड़ताल तोड़ने का यह निर्णय शिक्षा विभाग के साथ वार्ता के बाद हुई सहमति के आधार पर लिया गया है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष पांडे के मुताबिक सरकार द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाएगी, साथ ही हड़ताल अवधि को उनको वेतन भी दिया जाएगा। पांडे ने बताया कि अन्य सभी मांगों पर लॉकडाउन के बाद विचार किया जाएगा। इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों की हड़ताल तोड़वाने को लेकर CM ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव RK महाजन को निर्देश दिया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक संघ को इसकी सूचना दी और संघ के अध्यक्ष केदार पांडे से बातचीत की गई। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन जैसी रियायत नहीं देने का निर्णय लिया है। बिहार के जिलों को सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं की गई है। आदेश में लिखा गया है कि बिहार के नए नए इलाकों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार और आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि लॉकडाउन की कड़ाई से लागू किया जाए। इसी कारण राज्य में दो ही प्रकार के जोन लगेंगे। एक खबर आ रही है, BPSC 65वीं मुख्य परीक्षा का आवेदन सोमवार से शुरू हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं मुख्य संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकते हैं। BPSC 65वीं PT में पास उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2020 है। परीक्षा शुल्क 28 मई तक भरा जा सकता है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी व सभी कागजात या प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जून है। बीपीएससी 65वीं परीक्षा में कुल वैकेंसी 423 है। जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली डेट को सुबह 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ऑनलाइन लिंक उपलब्ध होगा। जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। दोस्तों आते हैं अगली खबर पर। बिहार की अगली बड़ी खबर, मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हो गई है 23। उत्तर बिहार में मधुबनी कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। झंझारपुर प्रखंड के पट्टी टोल के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिले में COVID-19 मरीजों की संख्या 23 हो गई है। आते अगली बड़ी खबर पे। 4000 प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात, राजस्थान और केरल से मंगलवार को पहुंचेगी मुजफ्फरपुर में ट्रेन। बता दें कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के मजदूरों को केंद्र सरकार की सहमति के बाद अब वापस उसके घर लाने की कार्यवाही तेज हो गई है। इस कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरपुर में 3 विशेष श्रमिक ट्रेन पहुंचेगी। ये विशेष ट्रेन गुजरात के साबरमती, राजस्थान के जोधपुर और केरल से रवाना होगा। चलिए एक खबर आ रही है, सुबह 6 बजे कोटा से व त्रिचूर से, दोपहर 2 बजे दरभंगा पहुंचेगी ट्रेन।
राजस्थान के कोटा व केरल के त्रिचूर से चल चुकी ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर मंगलवार की सुबह क्रमशः 6 बजे एवं अपराह्न 2 बजे पहुंचेगी। दरभंगा पहुंचने वाले बिहारी अप्रवासियों के स्वागत एवं सुविधा को लेकर सोमवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम एसएसपी बाबूराम, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, डीटीओ रवि कुमार, रेल एसपी अशोक कुमार सिंह सहित दर्जनों रेल व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। जंक्शन परिसर में सभी जिलों के लोगों के लिए अलग अलग तंबू टेंट का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार की देर शाम तक सभी टेंट तैयार हो जाएंगे। प्रदेशियों के लिए नाश्ता व भोजन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगली खबर पे। मजदूरों को लाने वाली 50 रेलगाड़ियों का किराया देंगे तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार के लिए कही ये बातें। बिहार से बाहर फंसे छात्रों, कामगारों और घर वापसी के इच्छुक पर्यटकों को बिहार वापस लाने के लिए बिहार वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इस पर जारी सियासत अभी भी नहीं थमी है और विपक्षी पार्टियां लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। अब इन अप्रवासियों से रेलवे का किराया वसूले जाने की बात पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। अब इसी मसले पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और इसके साथ ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अप्रवासी मजदूरों को लाने वाले 50 ट्रेनों का किराया बिहार सरकार को देगी। दोस्तों आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी है एक्सीफाई नालंदा से। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का आरोपी सिपाही बिहार के नालंदा जिले में पकड़ा गया है। उसने फेसबुक पर आगे योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी थी। यूपी पुलिस ने रविवार को उसे दीपनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान यूपी के गाजीपुर जिला स्थित दिलदार नगर थाना क्षेत्र के रन सदा गाँव निवासी तनवीर खान के रूप में की गई है। वह राजगीर में तैनात है। लॉकडाउन के दौरान भी रोहतास में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह ताजा मामला जिले के नासरीगंज थाना के सुखहरा डिहरी की है। यहां एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार तीन लोग किसान गजेंद्र सिंह के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें आवाज देकर बुलाया। गजेंद्र सिंह दरवाजे से बाहर आए और थोड़ी देर तक अपराधियों से बातचीत करते रहे। इसके बाद अपराधियों ने उनके सीने में गोली उतार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आइए दोस्तों आज की अगली खबर पे आते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को लीगल नोटिस भेजेंगे कांग्रेस नेता, जानिए पूरा मामला। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर विपक्ष पर आरोप लगाया था कि विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना एक महीने का वेतन भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं किया, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सुशील मोदी सफेद झूठ बोलने के लिए माहिर नेता है। मैंने खुद 30 मार्च को चेक के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा किया है, जिसके पूरा दस्तावेज में हमारे पास है। चलिए चलते हैं अगली खबर पे। कोटा से गया पहुंचे 994 बच्चे बोले लॉकडाउन में मैगी खाकर गुजार रहे थे जिंदगी। सोमवार की दोपहर कोटा से गया पहुंचने वाले 994 छात्र छात्राओं में से सबसे ज्यादा गया जिले के 364 छात्र छात्रा हैं, जबकि नवादा के 259, औरंगाबाद के 241, जहानाबाद के 93 और अरवल के 37 छात्र छात्राएं हैं। इस दौरान कई छात्र छात्रा काफी भावुक नजर आए। गया जिले के बाराचट्टी के पंकज कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से वे मैगी खाकर जीवन काट रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्टल के अधिकांश छात्र छात्रा निकल गए थे और मेस बंद हो गया था।